अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त सा 2 मिनट में ओरियो शेक। लेकिन इसको देखने से पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिलें। तो ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए बेहतरीन है, आपके इफ्तार ड्रिंक के तौर पे बेहतरीन है। इसके लिए मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम ली है और मैं इसमें ओरियो बिस्किट्स डालूंगी। 3 पैकेट्स ओरियो बिस्किट्स मैं शेक के अंदर डालूंगी और 1 पैकेट मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। 3 पैकेट का मतलब है 9 ओरियो के बिस्किट्स। 1 पैकेट के अंदर 3 बिस्किट्स हैं, इनको मैं पैकेट के अंदर ही इस तरह से हाथों से तोड़ लूंगी और फिर मैं अपने ब्लेंडर के अंदर सारे बिस्किट्स डाल दूंगी। मैं इसमें 9 बिस्किट डाल रही हूँ शेक के अंदर और 3 बिस्किट मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। 4 पैकेट्स हैं, ये 3 बिस्किट का 1 पैकेट है तो 4 पैकेट्स में 12 बिस्किट्स बनते हैं। तो इसको इस तरह से 9 बिस्किट्स मैंने डाले और उसमें आधा ग्लास दूध डाल के पहले ब्लेंड कर लिया, फिर मैं बाकी का 1 गिलास दूध डाल के भी ब्लेंड कर लूंगी। मेरा जबरदस्त सा ओरियो शेक तैयार है। और जो चौथा वाला पैकेट है, 3 बिस्किट्स हैं, उनको अपने पैकेट के अंदर ही किसी चीज से क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है, अच्छी तरह उसका क्रम बना लेना है, चूरा बना लेना है। फिर मैं उसको ग्लास के नीचे भी डालूंगी और ग्लास के ऊपर भी डालूंगी। ये इफ्तार के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है और 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, जो बच्चे दूध से भागते हैं उनको दूध पिलाने का इससे बेहतर तरीका मेरे नजदीक और कोई नहीं है। बच्चे मजे लेने के ये दूध पी लेंगे और बहुत मजे लेके पियेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें क्रीम ऐड कर लें, अपने लिए बना रहे हैं तो क्रीम अगर आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। जबरदस्त सा ओरियो शेक तैयार है, इसको इफ्तार ड्रिंक में बनाएं, इफ्तारी में ड्रिंक के तौर पर बनाएं। ये आपको बहुत एनर्जी देगा, बहुत मजा देगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।